अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो है चीज़ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो जेलेटिन लिया है, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने जो है ये बटर लिया हुआ है, कुछ बिस्किट्स है, 1/2 कप आइसिंग शुगर है, ये जो है स्ट्रॉबेरी प्योरी है जो मैंने घर पर ही रेडी किया हुआ है, और ये मैंने रूम टेम्परेचर की जो है ये चीज़ क्रीम ली है। आप किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बिस्किट को जो है किसी भी बैग के अंदर डालकर जो है रोलिंग पिन की हेल्प से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको जो है मिक्सर में भी डालकर क्रश कर सकते हैं, पर मुझे जो है रोलिंग पिन से क्रश किया जो होता है उसका टेक्सचर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐसे क्रश कर रही हूँ। तो आप चाहे तो उसको मिक्सर में भी डाल के क्रश कर ले। तो अब हम इसके अंदर जो है बटर डालेंगे। बटर एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी हमारा जो है ये बिस्किट वेट हो जाए इतना ही हम इसके अंदर बटर शामिल करेंगे, क्योंकि चीज़ केक जो होता है वो ऑलरेडी बहुत हैवी होता है। और यहाँ पे हमने जो है ये मैंने छोटे मेरे पास छोटे साइज़ के मोल्ड मौजूद थे, तो मैंने इसको पहले से ही जो है सेट कर लिया है। और अब इसके अंदर जो है बिस्किट डाल लेंगे और इसको स्पून की हेल्प से या आप फिंगर की हेल्प से जो है बिस्किट को सेट कर लें, और थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जब तक ये सेट होता और रहेगा तब तक हम अपनी चीज़ क्रीम वो रेडी करेंगे। तो जो है हम इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ क्रीम मैंने ली है ये रूम टेम्परेचर पे रखी हुई थी। अब हम इसको जो है मिक्सर की इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये जो है फ्लफ़ी हो जाए बिल्कुल। और जब ये फ्लफ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर जो है हम आइसिंग शुगर जो है वो 2 पार्ट्स में डालकर उसको शामिल कर लेंगे और इसको फिर अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे। अब दोबारा इसके अंदर हम शुगर डालेंगे और इसको हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी चीज़ क्रीम रेडी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने जो है व्हिपिंग क्रीम ली है। मैंने इसको उस वक्त इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था और अभी मैंने जस्ट निकाला है, ये बिल्कुल चिल्ड है। तो अब हम इसको व्हिप करेंगे और हम इसको तब तक व्हिप करेंगे जब तक इसकी सॉफ्ट पीक नहीं रेडी हो जाती है। जब इसकी सॉफ्ट पीक बनने लगेगी तो उस वक्त जो हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस है और यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी प्योरी थी तो ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है। मैंने अपनी केक की रेसिपी में पहले भी इसको दिखाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, तो वो शामिल कर लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको शामिल करें और चाहे तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह आप मैंगो प्योरी भी डाल सकते हैं, आजकल मैंगो का सीज़न है। तो अब हम इसके अंदर जो है जो हमने चीज़ क्रीम बीट करके रखी थी वो हम शामिल करेंगे और इसको शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से वापस से इसको बीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जेलटिन ली थी जिसको मैंने जो है 20 ml वाटर में, नॉर्मल वाटर में डालकर मैंने मिक्स कर लिया था और इसको मैं व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है हलाल जेलटिन नहीं मौजूद है तो आप चाहे तो इसके अंदर जो है अगर या चाइना ग्रास जो आती है आप चाहे तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से जो हम इसको फिर से बीट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे क्रीम जो है वो रेडी हो गई है और हमारा मोल्ड जो था वो भी सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है क्रीम डालकर जो है इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो आप स्पून की हेल्प से जो है इसको अच्छी तरीके से सेट कर लें। थोड़ा सा हम इसको जो है टैप भी कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से जो है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और जो हमारे पास जो है स्ट्रॉबेरी प्योरी थी हम वो उसके ऊपर जो है उसकी टॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहे तो टॉपिंग के लिए जो है चॉकलेट गनाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। तो बस हम इसको जो है और अब हम इसको जो है 5 आवर्स के लिए जो है फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे सेट करने के लिए। और यहाँ पे हमारा जो है केक सेट हो चुका है।
किसी भी ग्लास के है को रख कर जो हम इसको नीचे पुश करते हुए केक को जो है बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा ये सेट हुआ है। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी टेस्ट, ये यमी जो है केक रेडी हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं जो है इस केक को एंजॉय करती हूँ, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।